फोर्टी 44 चेंजेस इन सप्लाई बेसिकली जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज है टोटल चेंज इन सप्लाई का वहां पे और बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट को चेंज करेगा उनमें शॉर्ट रन चेंजेस क्या हो सकती है वेदर चेंज हो जाए देर माइट भी समाप्त ऑफ डिजीज आर पेस्ट अटैक ऑन द्रॉप रिजल्ट इन चेंज इन सप्लाई फिर इसी पैटर्न में अगर मैं लॉन्ग रन चेंजेस के परस्पेक्टिव में बात करूं तो वहां पे होगा कि वेन एवर देर इज आर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट देर इज चेंज इन सप्लाई सो चेंज इन प्रोडक्ट चेंज इन प्रोडक्ट आउटपुट बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर दैन प्लाइस हम उनको क्या कहते हैं दीज आर द डिटर्मिनेट ऑफ द सप्लाई आर सप्लाई शिफ्टर्स अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सपोज ये एक सप्लाई इक्वेशन लेते हैं इस सप्लाई इक्वेशन में हम ए को यूज कर रहे हैं टू डिनोट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ एन एग्रीकल्चरल कमोडिटी और पी ए मेरे पास डिनोट कर रहा है प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी वाइल एक्स इज द प्राइस ऑफ इनपुट जी इस इक्वेशन में ये जो मेरे पास बीटा नॉट है बीटा वन है बीटा टू है दीज आर द दफिशेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सप्लाई इक्वेशन जी ये रिलेशनशिप मुझे क्या बता रहा है कि इफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंक्रीजेस देर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी लेकिन जब हम प्राइस ऑफ इनपुट्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि इफ प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेस देन देर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी अब जब भी आप स्टेटिक सप्लाई मॉडल में हम होते हैं हमारी जम्शन क्या है कि देर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट देर इज ओनली चेंज इन प्राइस ऑफ आउटपुट

जिस पोज देर इज अ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई प्राइस एंड अदर फैक्टर्स लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है देयर इज अ नॉन लीनियर एसोसिएशन और फिर इसी पैटर्न पे इट माइट बी पॉसिबल कि देयर इज चेंज इन दैल्यूज ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉफिशेंट जब ये दोनों चीजें चेंज होंगी कि वेन फंक्शनल फॉर्म चेंजेस आर वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन पैरामीटर्स एंड फंक्शनल फॉर्म जो भी चेंज आएगी सप्लाई में हम उसको कहते हैं सप्लाई। अब यहां पे जो भी वेरिएशन आएगी आपकी सप्लाई में बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सप्लाई चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज हम यहां पे एक आपको सप्लाई कर्व शो कर रहे हैं किस चीज की सप्लाई है

हाँ जी उस चीज को शो करने के लिए क्या है कि वेन आवर सप्लाई कर शिफ्ट फ्रॉम एस वन टू एस टू इट इंडिकेट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई हाँ जी किस चीज की इंक्रीज इन सप्लाई है दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हां जी इसी पैटर्न पे अगर मुझे यहां पे इंडिकेट करना है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हाँ जी मेरी एग्जाम्पल क्या है वी आर डिपिक्टिंग सप्लाई ऑफ इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड प्राइसेस जी एक्सिस पे वी आर टेकिंग क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड द वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स प्राइस ऑफ इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगेन देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल बट अगर मुझे यहां पे शो करना है कि देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू ड्रॉ एन अदर सप्लाई जो लाई करेगी टूवर्ड्स इंडिकेट देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई अब जब हम बात करते हैं देयर इज चेंज इन सप्लाई देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द चेंज इन सप्लाई अगर मैं सबको समराइज कर लूं तो फैक्टर्स मेरे पास कौन कौन से हैं कि चेंज इन प्राइस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट प्राइसेस जब भी इनपुट प्राइसेस चेंज प्राइसिस देयर इज चेंज इन सप्लाई फिर इसी पैटर्न पे देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ द कंपीटिंग कमोडिटीज दट आर यूजिंग सेम रिसोर्सेज अगर वहां पे कोई रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस आएगी अगेन क्या होगा देयर इज चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिड्रेशन फिर अगर प्राइसेस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट भी चेंज हो कि समथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंबिनेशन विद सम अदर एग्रीकल्चरल आउटपुट तब भी क्या होगा देयर इज चेंज इन सप्लाई फिर अगर आपके पास लेवल ऑफ प्राइस एंड यील्ड रिस्क भी क्या होगा कि बिकॉज लेवल ऑफ प्राइस एंड एंड रिस्क क्या होंगे इट ऑल्सो इफेक्ट सप्लाई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की वजह से भी चेंज हो सकती है फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी है जो कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे चेंज इन सप्लाई और हम ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में